नारायण रिसालत या रसूल अल्लाह, नारायण रिसालत या रसूल अल्लाह, नारायण तहकीक आचार्य, नारायण तहकीक आचार्य, नारायण हैदरी सारी, नारायण हैदरी सारी, अज़मते मेराजे मुस्तफा जिंदाबाद, अज़मते मेराजे मुस्तफा जिंदाबाद, हजरत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद मुनव्वर हुसैन शाह साहब बुखारी जिंदाबाद, हजरत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद मुनव्वर हुसैन शाह साहब बुखारी जिंदाबाद, मेहरबानी से हम लोग जो है वो शाह साहब और उनके दोस्तों की ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन रहनुमाओं को हमेशा सलामत रखे और इनका फैजान जो है वो उसको जारी और सारी रखे। तो अजीज़ाने करामी मैं बात ये कह रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र की, उसके महबूब के जिक्र की जिन लोगों को तौफीक हासिल होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से खुशकिस्मत होते हैं और ऐसी महाफिल पर अल्लाह ताला की जो है वो रहमत बरसती है। तो यकीनन आज की ये महफिल जिसमें हम औलिया किराम की ज़ियारत कर रहे हैं, अपने मशायख की ज़ियारत कर रहे हैं और अपने उलमा की ज़ियारत कर रहे हैं और अल्लाह के महबूब के उस अजीम सफर सफर मेराज का तज़किरा कर रहे हैं, तज़किरा सुन रहे हैं, तो इस महफिल पर भी यकीनन अल्लाह ताला की रहमतें जो है वो बरस रही हैं। तो आज की इस महफिल का जो आगाज कुरान मजीद की तलावत से हो चुका, अज़ीज़ाने गिरामी अहले सुन्नत व जमात का ये मामूल है कि जब वो रब ताला का जिक्र करते हैं, उसकी लारायत किताब की तलावत करते हैं, तो फिर उसके जिक्र के साथ उसके महबूब का जिक्र जो है वो भी किया जाता है। क्योंकि खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान, खुदा न करे दरे रसूल पे ऐसा कभी न देखा, दरे रसूल पे ऐसा कभी न देखा, कोई सवाल करे और वो अदा न करे, कहा खुदा ने शफात की बात महशर में, कहा खुदा ने शफात की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे, मदीने जाके न निकलना शहर से बाहर, मदीने जाके न निकलना शहर से बाहर, खुदा ना खास्ता ये जिंदगी वफा न करे, असीर जिसको बना के रखे मदीने में, असीर जिसको बना के रखे मदीने में, तमाम उम्र रिहाई की वो दुआ न करे, हजार साल दुआ में रहे मगर महरूम, हजार साल दुआ में रहे मगर महरूम, जो दरमियान मोहम्मद को वास्ता न करे, शऊर नात भी हो और जुबान भी हो अदीब, शऊर नात भी हो और जुबान भी हो अदीब, वो आदमी ही नहीं जो उनका हक अदा न करे। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हक के वफादारी अदा करने के लिए मैं दावत नात देता हूँ जनाब उमैर अशरफ सैफी साहब को कि वो अपने सरकार की बारगाह में गुलाय अकीदत जो पेश करें। कोई
मिसलनी डोलन दे, कोई मिसलनी डोलन दे, कोई मिसलनी डोलन दे, ओ चुप कर मेहर अली थे जान यो बोलन दे, चुप कर ओ चुप कर मेहर अली इथे जान यो बोलन दे, के महबूब जे होयो जड़ी गल मनवाए मनवा सकना, ओ हलील जाए परवाने को आका दर ते बुलाए बुलवा सकना, सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
बात बिठावा तो अली अली के ताकर तो अली अली के ताकर कदे जहन च बात बिठावा तो अली अली के ताकर तो अली अली के ताकर तेनु एक नुकता समझावा तेनु एक नुकता समझावा तू अली अली की ताकर तेरे जहन च बात बिठावा तो अली अली के ताकर तो अली अली के ताकर ए हो नारा ए हो नारा ला कर जसदा तेरा लख कोई रोके रसदा तेरा मिट नहीं सकदा नाम तो अली अली के ताकर तो अली अली के ताकर तेरा मिट नहीं सकदा नाम तो अली अली के ताकर तो अली अली के ताकर तेरी गोसी बल्ले बल्ले तेरी गोसी बल्ले बल्ले मुंह करके नजफ दे बल्ले जरा उचिया करके बावा तो अली अली के ताकर तो अली अली के ताकर तो अली अली के ताकर तनो एक नुकता समझावा तो अली अली के ताकर सुभान अल्लाह